ठीक है ना, ये देखिए हो गया ना छेद। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक छोटी सी प्यारी सी ड्रिल मशीन, जो कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ के साइज से कैसी दिख रही है आपको, जो कि 12 वोल्ट डीसी से चलेगी और इसमें एक लाइट इंडिकेशन भी दिया गया है जिससे आप 12 वोल्ट एडेप्टर इसमें लगाएंगे और इजीली इससे आप अपने छोटे से मोटे काम इससे ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये छोटी सी ड्रिल मशीन कैसे बनाई गई है और मैं आपको बताऊँगा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये मशीन को बनाने में आपको कोई फ़ायदा है या नहीं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ड्रिल मशीन बनाने के लिए कुछ रिक्वायर्ड कंपोनेंट चाहिए होंगे। देखिए मैंने मार्केट से एक पाइप ख़रीद लिया है 40 mm के डायमीटर का है। इसका जो डायमीटर है या फिर ब्यास है वो 40 mm है, आप ले लीजिए। और मैंने इसका 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट रखी है और ये मैंने जो होल दिख रहा है आपको ये SPST स्विच का है और एक ये होल है वो है LED लगाने के लिए। और ये मैंने ऊपर की कटिंग ले ली है 40 mm की कंपास से काट कर और ये एक मोटर है 555 मोटर बोलते हैं जैसे अपन 555 मोटर, ये मैं यूज़ करूँगा। ये मैंने मार्केट से 120 रुपए की ली थी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ले लूँगा, आप वहाँ से भी इसे परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इसको इस तरह फिट कर लेंगे, ये मैंने काट लिया था। आप ये पूछेंगे ये गोलाई कैसे काटी है, तो ये मैंने सोल्डरिंग आयरन से पिघला के काट ली थी, ठीक है ना। और इसमें मैंने ये सोल्डरिंग वायर के कुछ वायर मैंने अटैच कर लिए थे। ये जो चक है ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा 70 रुपए का और इसकी भी मैं लिंक दे दूंगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। और ये एक पतले सी शाफ्ट में चक को कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, शायद ये किसी ने बताया हो। और ये देखिए ये पाइप है, इसको मैंने फ्लैट कर लिया था इससे और इससे ये फ्लैट करके ये छोटे छोटे इसी में से काट लिए कंपास की सहायता से। कंपास से मैंने मेजरमेंट किया और इसे फिर मैंने उसमें से काट लिया। तो ये रहा है आपको रिक्वायर्ड कुछ कंपोनेंट होंगे। ये SPST स्विच जो कि ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होगा। फिर आपको एक चाहिए होगा 12 वोल्ट का फीमेल DC कनेक्टर, ये भी आपको मार्केट में 5 रुपए का मिल जाएगा, आप देख लीजिए अपने यहाँ कितने का मिलता है। और फिर आपको एक चाहिए पड़ेगी LED, आप कोई से भी कलर की ले सकते हैं, मैं अभी वाइट ले रहा हूँ, मेरे पास वाइट ही है। और इसमें एक पॉजिटिव ब्लैक पे जोड़ देंगे 1K का रेजिस्टेंस। कलर कोड आप ध्यान से देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कलर कोड, आप किसी भी लेग पर जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। चलिए अब अपन आप देख लेते हैं कैसे हम इसके कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले इस मोटर को पहले इसमें डाल के देखते हैं। ये देखिए इसमें मैंने ये पीला पीला टेप लगा लिया है जिससे ये आसानी से गर्म करने पर पाइप पर इसमें ईजिली फंस जाए। और इसको कुछ इस तरह इस पर लगाएंगे, अभी तो ये इसमें नहीं फिट हो रही है तो इसको अपन गर्म करके इसमें ईजिली घुसा लेंगे और फिर ये आराम से इसमें फ़िट हो जाएगी, ईजिली घुस जाएगी। और इसको ऊपर से नट कस लेंगे इसमें। और ये है SPST स्विच, इसको इस तरह लगाएंगे और फिर इसकी ये DC फीमेल कनेक्टर को इसमें ग्लू गन की सहायता से चिपका लेंगे। चलिए पहले कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए फीमेल कनेक्टर का नेगेटिव वायर, जो आपको नेगेटिव वायर है उसमें ये सोल्डरिंग कर रहा हूँ एक वायर को, क्योंकि ये देखिए जो आपका ये वाइट वायर दिख रहा है ये फीमेल कनेक्टर का, उसमें से एक वायर जोड़ के एक स्विच में लगा रहा हूँ मैं और दूसरा जो वायर होगा वो मोटर का स्विच में लगाऊंगा। आपको स्विच लगाना तो आता ही होगा, सीरीज़ में लगता है। ये वायर को मैंने पहले इसको कट कर लिया और इसको छील के मैं पहले ईजिली इसमें सोल्डरिंग आयरन कर लूँगा, सोल्डरिंग कर लूँगा इस स्विच में। पहले पेस्ट लगा लें थोड़ा सा, फिर स्विच में अपन सोल्डरिंग करने के बाद ये देखिए एक वायर मैंने इसमें स्विच में सोल्डरिंग कर लिया इसका, और जो दूसरा वायर आएगा वो मोटर का है, वो मोटर का भी इसमें स्विच में लगा दिया और इस स्विच को हम सीधली अंदर कर देते हैं। आपको अगर सर्किट समझ में नहीं आया तो मैं इसका सर्किट डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। ये स्विच लग गया है अपना। अब बात आती है कि इस LED के कनेक्शन का करेंगे अपन, तो इसमें पहले LED लगाएंगे। ये देखिए ये डायरेक्ट वायर लगा दिया एक नेगेटिव का स्विच के साथ और ये रेड वायर दिख रहा है और जो छोटा वायर फीमेल कनेक्टर का ये पॉजिटिव है, इसमें डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ये रही LED, LED को 1K के रेजिस्टेंस के साथ जोड़कर इसमें ऐड करेंगे हम। जल्दी से इसमें लगा लेते हैं, ये LED फिट हो जाएगी अपनी और फिर इसके कनेक्शन में आपको समझाता हूँ कैसे करने हैं। ये LED इसमें फिट हो गई। अब ये देखिए जिसमें हमने रेजिस्टेंस लगाया था, जिस लेग में रेजिस्टेंस लगाया था वो इसकी पॉजिटिव साइड है, ठीक है ना। तो ये रेड वायर रेजिस्टेंस वाले में कनेक्ट कर लेंगे अपन, क्योंकि ये मोटर का भी पॉजिटिव है, क्लॉक वाइज घुमाएगा मोटर को, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और ये रेजिस्टेंस का वायर जो रेजिस्टेंस वाला पॉइंट दिख रहा है, उन दोनों को आपस में ईजिली हम कनेक्ट कर लेंगे। चलिए इस पर सोल्डरिंग कर लेते हैं अपन। तो ये देखिए ये हमने सोल्डरिंग कर लिया इस पर, और एक और वायर जो आएगा इसका पॉजिटिव फीमेल कनेक्टर का वो भी इस पर कनेक्ट कर देंगे अपन, ठीक है ना। ये नेगेटिव वायर रहेगा फीमेल कनेक्टर का, इसको हम स्विच पे लगा देते क्योंकि स्विच से ही अपन ने वो दिया था, वायर कनेक्ट किया था। तो ये देखिए अपन ने ये स्विच पे लगा दिया है। आपको कनेक्शन समझ में नहीं आया मैं सर्किट डायग्राम दिखा दूंगा, वैसे ही बहुत इजी कनेक्शन है, आप कर लोगे, मैं तो बता रहा हूँ आपको वैसे भी। और ये आपको जो वायर एक्स्ट्रा दिख रहा है फीमेल कनेक्टर का, DC फीमेल कनेक्टर का, उसका वायर उसमें जोड़ देंगे। तो ये अपन ने जो वायर जोड़ा था इस पर पहले टेपिंग कर लिए अपन थोड़ी, क्योंकि अंदर शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम इस पर टेपिंग कर लेंगे। ये हमने टेपिंग कर ली है। अब जो एक वायर बचा है वो जहाँ पे अपन ने रेड वायर लगाया था ना, उसी पे इसको सोल्डरिंग कर लेंगे ईजिली।
चलिए अब हम वो वाले वायर को भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये जो वायर बचा है ये रेड वायर, जहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया था रेड वायर, उसी पर इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो ये वहाँ पर भी सोल्डर हो जाएगा। चलिए अपन इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। अरे हो जा भाई, बहुत दिक्कत कर रहा। ये देखिए हो जा भाई साहब हो जा, वो नहीं हो रहा, मना कर रहा। चलो देखो ये हमारा सोल्डरिंग हो गया है वायर। अब इजीली क्या करेंगे अपन, ये कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इस वायर को अंदर घुसा देंगे और इसको हम इंस्टेंट ग्लू या फिर फेविक्विक की सहायता से इस फीमेल कनेक्टर को हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे, पीछे वाले कैप में जो हमने बनाया था, काटा था। चलिए इस वाले में ये देखिए इसमें अपन चिपका लेंगे। चलिए अब हम इसको चिपका लेते हैं, कैसे चिपकाया गया है। तो ये देखिए सबसे पहले अपन को लेना है, ये मैंने नट्स कस दिया इसके ऊपर, एक ही नट था मेरे पास, डबल नहीं था। इसको चिपका लेते हैं पहले। ये है फेविक्विक मेरे पास, अभी मैं दिखाऊँगा कैसी होती है। इसको इस तरह लगाएंगे, ठीक है। तो ये रही इंस्टेंट ग्लू भी बोलते हैं इसे, 5 रुपए की मिलती है, ये फेविक्विक है। तो फेविक्विक की मदद से इसे हम चिपका लेंगे। पहले इसमें हम सॉकेट लगा लें, सॉकेट लगाने के बाद फिर चिपकाएंगे क्योंकि इजीली पकड़ हो जाएगी। ये सॉकेट इसमें लगा लें और इसमें से फीमेल कनेक्टर इसमें अपन ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए लाइट भी आपको जल रही होगी देखते, क्योंकि सप्लाई ऑन है ना इसलिए, ठीक है ना। लाइट ये इंडिकेशन करती है कि आपकी सप्लाई जो है वो मोटर में जा रही है, मतलब इसका मतलब ये है कि सप्लाई मशीन तक पहुंच गई है। अब इससे इसके थ्रू इसे चिपका लेते हैं, साइड साइड में डालेंगे और देख के डालेंगे, उस सॉकेट के अंदर ना घुसे ये फेविक्विक, नहीं तो सॉकेट भी ख़राब हो जाएगा आपका। तो इजीली आराम से इसे चिपका लेंगे। ये दो दो बूंद साइड साइड में हल्की हल्की डाल देंगे और ऐसे आप इसकी जगह ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। ये अपना चिपक गया है। अब इसके बाद इस ऊपर के कैप को भी अपन गम से चिपका लेंगे या फिर इंस्टेंट ग्लू से चिपका लेंगे। ये देखिए मैंने इंस्टेंट ग्लू ली और इसको चारों तरफ से ईजिली चिपका लेंगे, आराम आराम से, आराम से रखिए। ये आपके हाथों में भी चिपक जाती है। और अगर आप ये पाइप कटिंग करें तो किसी बड़े की सहायता ले लें, अगर आप छोटे हैं, क्योंकि मैं तो थोड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ तो कर लेता हूँ, लेकिन सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है इस वीडियो में, ठीक है ना। तो आप पूरे टूल्स वगैरह यूज़ करके ही करें, अदरवाइज़ आपको चोट लग सकती है, ठीक है। तो ये हमने ईजिली इसे चिपका लिया। अब बात आती है चक की, चक कैसे फिट करें, तो यही मेन पार्ट है इस वीडियो का। कुछ नहीं करना है आपको, मैंने एक जुगाड़ लगाई है चक में, एक पैन लगा दिया है, देखिए ये पेन है, इस पेन के ऊपर मैंने इसमें घुसाया है, कुछ 3 रुपए वाला पेन आता है, ये ऐसा पेन है, मैं इसको काटूंगा और इसमें लगा दिया है। और पीछे की तरफ से एक नट कस दूंगा, इसमें पेच टाइप का होता है जिसे आप बोलते हैं, आप देख सकते हैं पेच दिख रहा है इसमें, इसमें मैं कस दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कसा कैसे है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसको मैं खोल लूँगा, पहले इसे खोल लेते हैं ईजिली अपन, और सबसे पहले इतना काट के इसे खोल लेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये देखिए ये मैं इसके स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इसे खोल लेता हूँ। ये ऐसे खोलने के बाद अपन को ये खुल जाएगा ईज़िली, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे खोल लिया है। अब ईज़िली इसे प्लायर की मदद से, ये मैंने पेन काट लिया था और इसको कुछ इस तरीके से इस नट को इस पेन पे कस लेंगे। देखिए ये ईज़िली कस जाएगा, नहीं कसे तो आप ज़बरदस्ती कस लीजिएगा, ईज़िली कस जाता है। और इसको इसके अंदर डालेंगे कुछ इस तरीके से, ये देख लीजिएगा सीधा ही रहे, ये अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वाइब्रेट करेगी, मोटर हिलेगी, ठीक है ना। तो इसको ईजिली इसमें ऐसा डालकर इसमें और स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह प्लायर को प्लायर से पकड़कर साइड में इसे कस लेंगे और बहुत ईजिली कस जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए मैंने कस लिया है। और अगर आपकी साफ्ट देखो पतली होगी तो इस साफ्ट को गर्म करिए थोड़ा और इसमें लगा दीजिए और ऊपर से हल्का सा प्लायर की मदद से ठोक देना। ये देखिए कितना फ्रीली घूम रहा है, ठीक है ना। और हल्का सा अपन प्लायर लेंगे, प्लायर प्लास बोलते हैं जैसे, इसे ईजिली इससे ठोक लेंगे, जिससे क्या होगा ये मोटर में अच्छी तरह इसकी साफ्ट में पकड़ आ जाएगी। ये देखिए अब ये देखिए बिल्कुल हिलने नहीं वाला है भाई साहब, ऐसा कस गया है ना, मज़े ही आ जाएगा आपको। चलिए अब दिखाते हैं कैसे अब छेद करेगी हमारी मशीन। चलिए तो पहले अब हम देख लेते हैं ये हो गया है, ये मैं पावर सप्लाई लगा के दिखा दूँ चल रही है कि नहीं। ये देखिए पावर सप्लाई लगाई, LED इंडिकेशन ऑन, ये देखिए मशीन घूमने लगी, देख सकते हैं आप। इस मशीन से आप कुछ हैवी काम तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने नॉर्मल काम जैसे MDF बोर्ड काटना हुआ, बुक्स में वाइंडिंग करना हुआ, उसमें छेद करना हुआ, तो उसमें आप इजीली कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये अपनी मशीन वर्क कर रही है पूरी अच्छी तरीके से। और अब अपने इस MDF बोर्ड में छेद करके देख लेते हैं। आप देख लीजिए MDF बोर्ड में छेद हो गया है, ये आप देख सकते हैं MDF बोर्ड में परफेक्टली छेद हुआ है, ये आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम एक और छेद करके देखते हैं फिलहाल इस मशीन से। पहले पावर सप्लाई आपको दिखा दूं, ये देखिए पावर सप्लाई लगी है, कोई फेक वीडियो नहीं है। आप इससे ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं ले पाएंगे, सिर्फ MDF बोर्ड की तरह छोटे छोटे सामान हल्के से में आप इसमें छेद। ठीक है ना, ये देखिए हो गया ना छेद, ठीक है।
देखिए,